क्या करें, कांग्रेस को राम याद नहीं आते तो इसका हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है। हमें तो राम हमेशा और सर्वदा याद आते हैं, खाली चुनाव में नहीं, हमेशा और सर्वदा याद आते हैं। और भगवान राम तो हमारे दिल में विराजते हैं। हमारे पार्टी नेतृत्व ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय आएगा उसकी पालना करें। जिनके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, राम मंदिर बनाना चाहते तो बना देते, तो मुद्दा तो इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि मुद्दा तो तब बनाएंगे जब बनाने की इच्छा होगी, मंदिर बनाने की इच्छा ही नहीं। जिनको ना मंदिर से मतलब है, ना मस्जिद से, ना गिरजाघर, ना गुरुद्वारे से, ना गाय से, ना धर्म से, उनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कुर्सी के लिए पॉलिटिक्स करती है और बीजेपी के लोगों को, लोगों की भावनाओं को भड़काना, लोगों की भावनाओं को भुनाना बहुत अच्छे ढंग से आता है। राम मंदिर का जो मुद्दा था वो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है या नहीं है? सारी रणनीति जो है सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की और केंद्रित रणनीति रहती है। इनका कोई उद्देश्य नहीं मंदिर बनाने का, सिर्फ भावनाओं का दोहन कैसे करना है, उससे वोट कैसे अर्जित करने, ये इनका उद्देश्य रहा है। इससे ऐसा लगता नहीं कि कभी भी ये अपने कमिटमेंट पर खड़े उतरे। इसका उद्देश्य एक ही है जी, राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मोदी जी अब आप 56 इंच का सीना छोड़िए, सबसे पहले हिंदुत्व से खिलवाड़ मत कीजिए, हिंदुत्व की रक्षा कीजिए, जो आपने वादा किया था वो पूरा कीजिए। चलिए, राम मंदिर का मसला सियासी नजरिए से देखना जरूरी है या फिर भारत की समरसता के लिहाज से। कृष्णा कौरानी जी जयपुर से हैं और जाकिर अली साहब बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णा जी नमस्कार। अरे सर नमस्कार, बताएं सर। अरे साहब आज आपके वेबसाइट के अंदर मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे को दिख रहा है कि 5 स्टेट के अंदर चुनाव है जी, और 5 स्टेटों में चुनाव होने की वजह से कि अब इन्होंने उठा के ये बात दिखा दी कि साहब आरएसएस हमसे अगर बिछड़ भी जाए तो इससे अच्छा ये राम मुद्दा डाल दो, अपने आप आरएसएस वाले हमसे जुड़ेंगे और हमारी वापस सरकारें बनेंगी। चलिए धन्यवाद आपकी राय के लिए। जाकिर साहब नमस्कार। नमस्कार अपने जी। जी सर बताए। अपने जी मैं कुछ 40 सेकंड लेना चाहूंगा आपके, जो मेरी बात सुनिए शांति से जी, और सभी राजनेता है उनसे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले कहना चाहूंगा कि भाई चुनाव के टाइम पे आपको राम और रहीम क्यों याद आते हैं, और दूसरी बात ये कहता हूँ हमारे राष्ट्रीय गान के अंदर एक है कि जनगण मन वो जो है ना उसमें उसके अंदर लिखा होता है कि कोई धर्म नहीं सिखाता जातिवाद का, और बीकानेर के अंदर हमारे कब्रिस्तान के पास में मस्जिद भी है, मंदिर भी है और संतान भूमि भी है, आज तक वहां विवाद नहीं हुआ। और मस्जिद के अंदर आप बीकानेर में काफी जगह चले गए, जयपुर चले गए तो हर जगह धार्मिक स्थल के पास के अंदर मस्जिद और मंदिर निर्माण है, कभी भी जातिवाद का मुद्दा, जातिवाद का मुद्दा होता है पार्टी से होता है और वहां से होता है। चलिए लोग नहीं करते फर्क, तो फिर ये फर्क कहाँ से आ जाता है, सवाल फिर भारतीय जनता पार्टी पर आकर रुक जाता है। सुरेंद्र जी बात अधूरी रह गई, आप ही से पूरा करना चाहता हूँ, क्या मौजूदा हालात में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की राम मंदिर को लेकर स्पष्ट नीति नहीं है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टैंड ले रखा है और वो स्टैंड ये है कि जो कोर्ट का मामला है, कोर्ट का निर्णय आएगा उसको स्वीकार करेंगे, पर हम उसमें दूसरी बात कहते हैं, हम कहते हैं कोर्ट का जो निर्णय है वो सिर माथे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको हम स्वीकार करेंगे, परंतु चूंकि ये जन जन का विषय है, देश की आस्था का विषय है, इसमें हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट के सभी पार्लियामेंट में इस पर बहस हो और पार्लियामेंट इस पर कानून बना करके अयोध्या में राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करे, इससे बढ़िया बात और कोई हो नहीं सकती। मतलब सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करें या नहीं? मुझे लगता है कि पार्लियामेंट वाले काम पर होना चाहिए, विचार होना चाहिए। शकील साहब, सुप्रीम कोर्ट का भी इंतजार है और कानून रूप से इस मसले को हल कैसे किया जाए, उस रास्ते का भी विकल्प यहाँ पर है, अब आपकी क्या राय है? देखिए ये लोग कंफ्यूज हैं, इनको समझ ही आ नहीं रहा कि ये क्या करें। ये एक तरफ तो इनकी लड़ाई चल रही है आरएसएस और बीजेपी की, ये लड़ाई करते हैं तो ये आश्वासन देते हैं, जैसा कि अभी मनीष जी ने बताया था कि 2 साल का हमने इनको टाइम दिया है, तो आप हिंदुस्तान की जनता को मंदिर बनाने के लिए टाइम दे रहे हो या आरएसएस को दे रहे हो? आप किसके प्रति जवाब दें? जनता के प्रति जवाब दें, लेकिन आप आरएसएस को दे रहे हैं, यानी कि इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि सरकार को आरएसएस चला रहा है।
तो इस देश में एक हिंदुत्व का जो एक एजेंडा लागू करने की इनकी योजना है वो कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि मैं बता दूं कि इस हिंदुस्तान की इतनी बड़ी खूबसूरती है कि 98% जो लोग हैं सेकुलर माइंड के हैं, ये कुछ 2% लोग हैं जो देश में शांति नहीं चाहते और अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के। कौन है वो 2% लोग, कौन है वो जो देश में अशांति चाहते हैं। अब आप देख लीजिए, जब 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उसके बाद जब दंगे हुए तो तकरीबन 2000 से अधिक लोग मारे गए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो 1528 में 2 लाख मर गए वो, देखिए ये इस देश की बात कीजिए, इस देश की लूट खाया देश वो, को वो आप थे नहीं, 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 आक्रमण हुए पता है, तो आप उस वक्त विरोध कर लेते, तो उस वक्त आप विरोध कर लेते, देश में रहते आप उस वक्त विरोध कर लेते, मस्जिद में जाता कभी कोई, वो मामला वो कोर्ट में जाता है, कोई मुसलमान जाता है देखिए आज पढ़ने, वो मैं उसके नहीं बताया, आप कोर्ट में विचार नहीं, चलिए गुमान जी इसको तलखी नहीं रखते, ठीक है गुमान जी समरसता कायम रखते हुए अपने विचार रखते हैं। आस्था का मामला तो आप कोर्ट का क्यों फैसले का इंतजार कर रहे हो? आप बना डालो, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, बना डालो, पूर्ण बहुमत है, कौन ने रोका आपको? चार और सिद्धांतों के पीछे हम सिद्धांत फिर एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कर रहे हैं क्या, हम इनका विरोध कर रहे हैं तो करो रोड रोड पे आओ, यहाँ पे बैठ के विरोध थोड़ी ना होगा, आज जन आंदोलन करो, कितने लोग साथ हैं यहाँ से चल जाएगा, अभी यहाँ बात तो यही आपने आपने तो कोई आंदोलन तो किया नहीं, आज 6 दिसंबर गुमान सिंह जी लोग मर जाते हैं तब तो क्या भावनाएं आहुत नहीं हुई। देखिए एक सवाल था मेरा, बुनियादी सवाल था कि क्या भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है इस मसले पर। गुमान सिंह जी मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि स्पष्ट नीति को लेकर शक है, फिलहाल इस बात को लेकर शक है, आप तो उस चर्चा पर आ गए मानो मंदिर बन गया, यहाँ तो इस बात को लेकर शक हो रहा है कि मंदिर सिर्फ मुद्दा रहेगा या बनकर आएगा, मैं उस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ गुमान जी। मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि हम खुद इस चीज से इतने मतलब भ्रमित है कि आज जिस विचारधारा को लेकर जिस चीज के पीछे हम लड़ते आ रहे हैं, आज हमारे कितने कार्यकर्ताओं ने मतलब अपनी जीवन की आहुतियां दी है, आज लोगों ने पूरे तन मन धन से आज इनको मतलब, और आज ये जब भी सत्ता में आते हैं तो जो मेन मुद्दे होते हैं जो वास्तविक जिनको कह के आते हैं उनसे भटका देते हैं जनता को, इसी को ये बुद्धिमत्ता समझते हैं। अरे भाई जनता इतनी बेवकूफ, अब तुम एक तरफ तो कहते हो कांग्रेस ने देश में 70 साल राज किया, अरे भैया हमारे होते क्यों किया कभी, इसमें भी तो विचार करो, बीच बीच में जनता ने मौका भी दिया, हमने विश्वास करके आज इतना प्रचंड बहुमत के साथ में इनको बिठा दिया। अब मुझे बताइए हमारे देश का नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है, चाहे 99 दोषी छूट जाएं लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताइए हमारे जो समर्थक हैं, हम जिन्होंने तुम पे विश्वास किया है, अरे उनके भावनाओं का आदर सम्मान करो, ये तो यही बहुत आपका जनाधार बढ़ा देंगे, इनकी पार्टी लेकिन इस बारे में ध्यान नहीं है, दूरदर्शन हमारे साथ है, जनता की राय बढ़ा ली खूब, बिल्कुल गुमान जी आऊंगा फिर से आऊंगा आपके पास में। खालिद कुरैशी साहब है बीकानेर से और इंद्रोजा जी भी है, खालिद साहब नमस्कार। नमस्कार, बताए क्या कहना चाहते हैं? बाबरी मस्जिद वाला मसला चल रहा है जी, मसला ये है ये मंदिर मस्जिद का जो मतलब भेद है ये जनता छोड़े और ये जो सरकार उसको छोड़े, वहाँ कोई ऐसा मतलब बना दीजिए या तो कॉलेज बना दीजिए या कोई अस्पताल या कोई अनाथालय। मैंने मांग भी की थी द्वारा राष्ट्रपति को जी, राष्ट्रपति जी को प्रधानमंत्री को मैंने मांग भी की थी, मतलब ये हजारों मंदिर पड़े हैं हजारों मस्जिद पड़े हैं देश में वीरान, उनको आबाद करें, इस जगतों को बंद करें, ये अच्छा रहेगा हमारे लिए। चलिए आपकी राय है, शुक्रिया। ओझा साहब नमस्कार। नमस्कार अशोक जी। जी सर बताए। भाई साहब मैं सकल साहब से कहना चाहता हूँ, मेरी बात गौर से सुनिए सकल साहब, जो आप कह रहे हैं देखिए हिंदुत्व एक विचारधारा है, ये देश की संस्कृति है, इसको आप कह रहे हो ये बिल्कुल गलत कह रहे हो, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। दूसरा सकल साहब मेरा एक निवेदन आपसे, आप आत्मा के आवाज से कह रहा हूँ, आत्मा की अंदर तक आप सुनना मेरी बात को, कि हमारे राम को इस कांग्रेस पार्टी ने नकार दिया, करुणानिधि ने नकार दिया, क्या आपके साथ में ऐसा होता तो आप सहन कर लेते क्या? आपको याद होगा मोहम्मद साहब के बारे में कहीं एक देश के अंदर एक कटु शब्द लिखा गया था एक छोटी सी कश्ती के ऊपर, पूरे विश्व में प्रदर्शन हुआ था और हमारे राम को नकार दिया गया, करुणानिधि साथ था, राम था ही नहीं, कभी झगड़ा हुआ ही नहीं, ये सब काल्पनिक है, तो आप बताओ कि आप सहन कर लेते क्या कितनी परेशानी? ये इन भावनाओं का सवाल, मैं शकील साहब से जवाब लूंगा इस मसले पर, लेकिन उससे पहले सुशील जी भावनाएं किसकी आहत हो रही है और कौन आहत करने के लिए जिम्मेदार है? क्या भारतीय जनता पार्टी को आज इस मसले पर स्पष्ट नीति रखनी चाहिए? देखिए अब ये ऐसा संवेदनशील विषय है जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इस पर जितनी भी बहस की जाए उसका कोई मायने नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, आरएसएस की राजनीतिक शाखा है भारतीय जनता पार्टी। बहस के बीच में एक बात निकल कर आई कि कांग्रेस के भीतर भी दो राय है, एक पक्ष है जो चाहता है मंदिर बन जाए, दूसरा पक्ष है जो चाहता है कि ये मुद्दा बना रहे। मैं उस पर आपकी राय जानना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं कि मैं अभी बालाजी के मंदिर से आ रहा हूं और मंगलवार का व्रत रखता हूं, रोज सुबह राम जी की पूजा करता हूं और उसके बाद मैं घर से निकलता हूं। और ये सभी कांग्रेसियों की करीब करीब यही स्थिति है जो ये कहते हैं कि राम जी जो है वो कांग्रेस का जो जो सिद्धांत है वो सर्वधर्म स्वभाव है, सबको साथ लेके चलने का है, हर आदमी को अपने धर्म को मानने, अपने विचार को मानने, अपने विश्वास को मानने का अधिकार है। आपको या अशोक परनामी जी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने भुला दिया राम को? अशोक परनामी जी तो राजनीतिक भाषण कर रहे हैं, वो उनकी रणनीति के तहत बोलते हैं। आरएसएस अपनी रणनीति के तहत बोलता है कि मुद्दा खत्म नहीं हो जाए, जनता को बरगलाए रखो, जनता को गुमराह रखो, मूल मुद्दों से ध्यान हटता रहे। और मोदी जी इन्हीं की शाखा के ट्रेंड किए हुए कार्यकर्ता है जो देश के प्रधानमंत्री है, 282 सीटें लेकर बैठे हैं। ये हालात जब हैं, जब ये पूरा सब कुछ देश ने मोदी जी के हाथ में दे दिया है, तो जो राजनीतिक शाखा इनकी भारतीय जनता पार्टी है, गवर्नेंस जो इनके आरएसएस नागपुर से चल रही है, सारे मंत्री जो हिसाब किताब वहाँ भागवत जी को दे रहे हैं, सारा रिपोर्ट भागवत जी को कर रहे हैं, और जब स्थिति ये चल रही है तो ये पूछ किससे रहे हैं, कौन किसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनके साथ इनके एमपी क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये जनता को मूर्ख बनाने का इनका। मैं मनीष जी से जवाब लूंगा, शौकत अली साहब डीटवाड़ा से, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, पारक जी। जी सर बताएं। मेरा सवाल ये है कि ये जो कानून के जो कानून का जो फैसला आएगा तो ये फैसला मुसलमानों के हित में अंदर। नमस्कार। अपना टीवी का वॉल्यूम कम करते हुए बात बताएंगे अपनी। जी, फैसला आएगा तो ये लोग मान्य करेंगे इनको, ये फैसला। चलिए मनीष पारिक साहब, उनका सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस बारे में कोई भी निर्देश दिया तो भारतीय जनता पार्टी बिना नागा उसको पालना के लिए तैयार है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अब तक क्यों आपकी पार्टी की तरफ से इस मसले पर स्पष्ट नीति नहीं है? ये सवाल उन लोगों की तरफ से भी उठकर आने लगा है जिन्होंने समर्थन दिया इस बार सरकार बनवाई। नहीं, तीन बात है इसमें, तीनों बातों में स्पष्ट नीति है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, सब लोगों के आदेश मान्य है, अपील का अधिकार सुरक्षित है, वो करेगी सरकार। हमने कभी ये नहीं कहेंगे कि राम एक काल्पनिक चरित्र है, एफिडेविट नहीं देंगे, ये भी तय है क्योंकि जन आस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं। एक दूसरी बात, जो कन्फ्यूजन की बात हो रही है वो तो उन लोगों को ही है, वो कह रहे हैं चुनाव है यूपी में इसलिए आज इस पर बहस कर रहे हो, ये तो फर्स्ट इंडिया की बहस है, आज शौर्य दिवस है इसलिए कर रहे हैं, वो ये समझते हैं। और यही कन्फ्यूजन बीजेपी को हंसाता है, आजम खान परेशान करते हैं मुसलमानों को जो ये कहते हैं कि अगर बीजेपी वहाँ मस्जिद बना देगी तो हम सारे मुसलमान बीजेपी को वोट दे देंगे। वो पूछ के आए थे क्या शौकत भाई से? पूछो, ये जनता से जुड़े हुए आदमी है, सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अगर आप कोर्ट की भावना के विपरीत जाते हैं तो जनता को ठेस लगती है। क्यों थावरचंद गहलोत फिर कहते हैं कि हम संसद में कानून लाकर मंदिर बनाने का रास्ता तय करेंगे? उनकी इच्छा है, सरकार के मंत्री की व्यक्तिगत राय कहलाई जाएगी सार्वजनिक मंच पर अगर बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री की इच्छा है, उसके हर मंत्री की इच्छा है, हो सकती है, एक बात। दूसरी बात, मैंने अभी और कहा था, शौकत भाई ने कंफ्यूजन समझा, तो ये बोले कौन हुआ? मैं इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने कहा संतों को वादा करके आए मोदी, उन्होंने संत ने कहा है, मोदी जी ने नहीं कहा है, संत ने कहा हमसे 2 साल बनाने का वादा किया है, हमने कहा हमारी प्रार्थना है संत की इच्छा पूरी हो, दोनों बातें सही है। मैं आपको पहले भी कहा था और बिल्कुल स्पष्ट नीति के साथ कह रहा हूं कि कानून के खिलाफ जाने की इच्छा नहीं। और एक आरोप बिना बात फिर भी लगाया, ये कहा कि संविधान में भरोसा नहीं है इनका, इनका संसद में भरोसा नहीं है, ये दोनों बातें गलत है। साहब जो कह रहे हैं उसमें से क्या? दोनों बातें गलत है, हम संसद को मानते हैं, संविधान को मानते हैं और देश का प्रधानमंत्री है। तो फिर आप उसका इंतजार क्यों नहीं कर रहे कोर्ट के फैसले का? फिर चुनाव आते जब राम जी याद आते हैं, कौन करा ये 6 दिसंबर? हमने नहीं रखा प्रोग्राम भाई, आज आपने तो 2002 के आपके मैनिफेस्टो में वहाँ पे इच्छा हो सकती है, बहुमत है, इच्छा है, वोट जो लोग नहीं, आपने जब क्यों नहीं रखा 2002 के जो मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकों की पार्टी के चुनाव में आप लोगों ने मुद्दा नहीं रखा, लोगों ने जो आपके जो संगठन है आपको राजीव गांधी से पूछना चाहिए, ताले क्यों खुलवाए, पूजा क्यों करवा रहे, वहाँ पे क्यों करा, देखिए अभी आप अयोध्या क्यों जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, बुरक बना रहे हैं, ये आप समझने की बात करो शौकत भाई। आप मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं ब्रेक लेता हूँ, ये टेंशन नहीं बढ़े, लौटेंगे तुरंत, चर्चा जारी रहेगी रामराज की राजनीति की। राम मंदिर और बीजेपी की नीति कभी भी स्पष्ट नहीं थी, हमेशा इन्होंने राम का नाम लिया, उस सहारे से सत्ता तक पहुँच गए, आज वो राम को भूल चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसा नाम है जब चुनाव के दौर पर भाजपा याद करती है।
राम मंदिर के नाम पर बीजेपी की कोई स्पष्ट नीति नहीं है और सिर्फ वोट बटेरने के लिए उन्होंने राम का नाम लिया और राम को ही वो अंधेरे में रख रहे हैं।